हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। इसके पहले हमने स्लीव आर्म अप कपलिंग पढ़ाया हुआ है, कंप्रेशन ऑफ क्लैंप कपलिंग पढ़ाया हुआ है। ये थर्ड है हमारे पास डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग क्या होता है और इसका यूज कैसे होता है और उसके डिजाइन कैसे करते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो फ्लेंज कपलिंग है जो कि आपको इसमें डायग्राम में दिखा होगा, इसमें हम शाफ्ट को फिट करते हैं और इस फ्लेंज का इस कपलिंग को लगा करके बोल्ट के द्वारा फिट कर देते हैं। और ये होता है फ्लेंज कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग में हमारे मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग, मरीन टाइप फ्लेंज कपलिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। अनप्रोटेक्टेड टाइप का फ्लेंज कपलिंग होता है इस टाइप का जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक शाफ्ट बनी हुई है, शाफ्ट के ऊपर की को फिट किया हुआ है, की के ऊपर इसमें हब लगाया हुआ है, हब के ऊपर फ्लेंज लगा करके इसको बोल्ट के द्वारा फिट किया हुआ है। सेम टू सेम नीचे किया हुआ है, दो पार्ट को आपस में मिला करके उसमें बोल्ट के द्वारा फिट कर दिया है। तो इस तरीके की जो कपलिंग होता है वो होता है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। और इसमें जो हमारे पास मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है शाफ्ट, की, हब और फ्लेंज और बोल्ट, इतनी चीज इसमें यूज होती है। इसके बाद इसको जो शो करते हैं अलग अलग, ये है स्मॉल डी रहेगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट। डायमीटर हमारे पास चार डायमीटर इस्तेमाल होंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी रहेगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट, कैपिटल डी रहेगा हब का डायमीटर, तो आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब भी बोल सकते हैं इसको, कैपिटल डी है क्योंकि कैपिटल डी इक्वल टू डी होता है। और एक होता है डी वन जो कि बोल्ट एक्सिस से लेकर ये वाले बोल्ट के एक्सिस तक का डायमेंशन, तो कैपिटल डी वन इक्वल टू होता है 3D। 3D से निकालेंगे, डी है इसमें डायमीटर ऑफ शाफ्ट स्मॉल डी। और डी टू जो होता है ये होता है टॉप से लेकर के बॉटम तक का डायमेंशन, डी टू। डी टू इक्वल होता है 4D। तो हमारे पास स्मॉल डी, डी, डी वन, डी टू। स्मॉल डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डी है आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब, और डी वन है डायमीटर ऑफ एक्सिस, वोल्ट एक्सिस, वोल्ट एक्सिस का डायमीटर, और डी टू है टॉप से लेकर के बॉटम तक का पूरे हमारा जो कपलिंग है उसका डायमेंशन, ये होगा डायमीटर। और डी वन है इसमें इस्तेमाल होगा बोल्ट का डायमीटर, इस सर्कल डायमीटर होता है जो उसका डी वन रहेगा। अब इसमें थिकनेस होती है जो यूज, थिकनेस इसमें होती है टी एफ जो कि होता है फ्लेंज थिकनेस। यहाँ पर ये जो बीच में से एक्सिस में से जहाँ जुड़ा हुआ है इसका जो पार्ट है, इसके साइड का लेफ्ट साइड टी एफ और राइट साइड भी टी एफ रहता है जो कि फ्लेंज थिकनेस कहलाएगा। सेम टू सेम नीचे नीचे हमारे पास जो रहेगी, यहाँ से जो ये सपोर्टिंग एक पार्ट है, वन पार्ट हमारा एल रहेगा, एल इक्वल टू 1.5D, और इसी टाइप से सेम टू सेम इस साइड भी रहेगा एल इक्वल टू 1.5D। ये जो कपलिंग इस्तेमाल करा हुआ ये है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। इसमें शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर से इसमें दो पार्ट्स आपस में मिला करके बोल्ट के द्वारा फिट करे गए हैं। ये जो कपलिंग तैयार हुआ ये होता है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग। प्रोटेक्टिव टाइप का फ्लेंज कपलिंग ये होता है कि जो अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग का डायग्राम सेम टू सेम है, सिर्फ नीचे बोल्ट इसमें नहीं लगाए हुए हैं, सिर्फ ऊपर बोल्ट लगाए हुए हैं। इसमें क्या हुआ है, जो बोल्ट है बोल्ट को कवर किया हुआ है, इसलिए इसको नाम दे दिया प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग। इसमें भी सेम टू सेम है, शाफ्ट इस्तेमाल की हुई है, शाफ्ट के ऊपर की लगाई हुई है, की के ऊपर इसमें हब लगाया हुआ है, हब के ऊपर जो फ्लेंज लगा करके इसमें बोल्ट के द्वारा इसको फिट किया हुआ है, और फिर बोल्ट है जो बोल्ट को हमने इसमें कवर कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। सेम टू सेम यहाँ पर भी एल इक्वल 1.5D, एल इक्वल 1.5D रहेगा। यहाँ पर इसका डायमीटर ऑफ शाफ्ट रहेगा स्मॉल डी, और यहाँ से हब से लेकर के यहाँ नीचे तक जो डायमीटर है ये डी वन रहेगा, कैपिटल डी रहेगा, और बोल्ट एक्सिस से लेकर के यहाँ जो एक्सिस बना हुआ है इस एक्सिस तक की दूरी जो रहेगी वो डी वन रहेगी, टॉप से लेकर के बॉटम तक की जो दूरी रहेगी वो रहेगी डी टू। तो फार्मूला सेम टू सेम, और यहाँ से जो एक्सिस से लेकर के ये है टी एफ रहेगा, और यहाँ से जो आगे बढ़ाया हुआ है कवर के लिए वो टी एफ रहेगा। सेम टू सेम इसमें यहाँ से यहाँ तक टी एफ रहेगा, और यहाँ से जो बढ़ाया हुआ है वो टी एफ रहेगा, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, और बोल्ट को इसको कवर किया हुआ है, और बाकी का सब सेम टू सेम है। इसमें प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज का फ्रेंड, तो अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग और प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग जो है सेम टू सेम रहेगा हमारे पास, सिर्फ इसमें बोल्ट को कवर किया हुआ है तो बाकी सेम रहेगा इसमें, ये कहलाता है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग। अब इसकी हम डिजाइन पढ़ेंगे। जब इसका कपलिंग के फ्लेंज कपलिंग का, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसमें प्रोटेक्टिव और अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग का। तो इसमें ये कुछ डायमेंशन है इसको हमको याद रखना पड़ेगा। इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट और इनर डायमीटर ऑफ द हब, जो स्मॉल डी रहेगा वो रहेगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट या इनर डायमीटर ऑफ हब। लेट कैपिटल डी इक्वल टू रहेगा आउटर डायमीटर ऑफ हब का डायमीटर, स्मॉल डी रहेगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट या फिर इनर डायमीटर ऑफ हब।
एल इक्वल टू लेंथ ऑफ हब आपकी लंबाई, डी वन रहेगा पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट, जो बोल्ट है उसका पिच सर्कल डायमीटर रहेगा, डी टू रहेगा आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का आउटसाइड डायमीटर, और टी एफ जो रहेगा वो रहेगा थिकनेस ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का थिकनेस। अब ये जो हमारे पास ये जो डायमेंशन ये सब जो हमने कंसिडर किए हुए हैं इसके जो डायमेंशन है वो हम करेंगे, कैपिटल डी मतलब आउटसाइड डायमीटर आप निकालना तो इक्वल टू होता है 2D डायमीटर ऑफ शाफ्ट को फिट कर, उसका डबल हो जाएगा वो रहेगा कैपिटल डी मतलब आउटर डायमीटर ऑफ शाफ्ट रहेगा, कैपिटल डी इक्वल टू 2D। एल इक्वल टू निकालना है तो 1.5D, यहाँ पर एल डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ शाफ्ट है, डी वन इक्वल टू 3D, डी वन अगर आपको निकालना है ये पिच सर्कल डायमीटर बोल्ट निकालना है तो डी वन इक्वल टू 3D से निकाल लेंगे, डी टू निकालना तो हो जाएगा डी वन प्लस डी वन माइनस डी, इसको जब वैल्यू पूरी पुट कर देंगे यहाँ से डी वन निकल आएगा और कैपिटल डी हमारे पास ये रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास डी टू निकल आएगा। टी एफ अगर हमको फ्लेंज थिकनेस निकालना, थिकनेस का फ्लेंज निकालना तो इसका हो जाएगा 0.5D, 0.5 और डी की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से टी एफ निकल आएगा। अब हम इसमें यूज देखेंगे, यूज क्या करना है, सबसे पहले हम अगर हमको डायमीटर के अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे नंबर ऑफ बोल्ट कितने इस्तेमाल होते हैं, अगर हमको क्वेश्चन में दिया हो नंबर ऑफ बोल्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम देखेंगे डायमीटर ऑफ बोल्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ बोल्ट हम कैसे देखेंगे, 3 बोल्ट हम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 mm या उससे ज़्यादा हो, 40 mm या उससे कम हो का डायमीटर हो तो 3 बोल्ट इस्तेमाल होंगे, तो 4 बोल्ट जो इस्तेमाल होंगे तो होगा डायमीटर अप टू 100 mm, 100 mm तक रहेगा जो 4 बोल्ट होंगे, और 6 जो बोल्ट रहेंगे 6 बोल्ट रहेंगे फॉर डी अप टू 180 mm, 180 mm तक 6 बोल्ट का इस्तेमाल होगा। अगर हमको डायमीटर 40 mm या उससे कम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ बोल्ट 3 लेना है, एन इक्वल टू 3 लेना है, स्मॉल एन इक्वल टू, और अगर डायमीटर 100 या 100 से नीचे है तो 40 से 100 के बीच में जो है वो हमारा आ जाएगा, उसमें 4 बोल्ट लगाएंगे, और अगर 80 180 mm का डायमीटर है तो उसमें 6 बोल्ट इस्तेमाल होंगे। इस तरीके से इसको हम देखेंगे। मेरन टाइप फ्लेंज कपलिंग, मेरन टाइप जो फ्लेंज कपलिंग होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कुछ डायमीटर, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये बना हुआ है मेरन टाइप फ्लेंज कपलिंग। मेरन टाइप फ्लेंज कपलिंग में ये शाफ्ट होता है, शाफ्ट की आधी शाफ्ट तक के लिए ये हम इसमें हब लगाते हैं, हब को इस्तेमाल करके इसमें फ्लेंज के साथ में इसमें बोल्ट को फिट करते हैं, ये टॉप पे भी बोल्ट लगता है और बॉटम पे भी इसको बोल्ट लगाते हैं और इसको इसमें यूज करते हैं। जो ये है शाफ्ट, है शाफ्ट लगी हुई है जो कि इसका डायमीटर डी है, ये जो है एक्सिस से लेकर के यहाँ बोल्ट के एक्सिस तक का जो डायमीटर है वो डी वन है और टॉप से लेके बॉटम तक डायमीटर है वो डी टू, तो स्मॉल डी कैपिटल डी वन और डी टू कैपिटल डी टू, ये जो है हमारे पास डायमेंशन रहेगा। इस टाइप का जो कपलिंग होता है वो मेरन टाइप रेंज कपलिंग होता है, इसमें जो बोल्ट लगाते हैं वो टेपर टाइप का बोल्ट लगाते हैं, ये बोल्ट लगता है इसमें टेपर दिख रहा होगा आपको, टेपर के अकॉर्डिंग हम बोल्ट को फिट करते हैं, ये है मेरन टाइप फ्लेंज कपलिंग। अब इसमें जो डायमेंशन हम यूज करते हैं, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का जो थिकनेस निकालना है यहाँ जो हम शो कर रहे थे इसके साइड और इसके साइड, टी एफ ये होगा D/3 होगा, डायमीटर ऑफ शाफ्ट का 1/3 रहेगा जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज हो जाएगा, टेपर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का जो टेपर रखना है वो रहेगा 1/20 से 1/40 तक, 1/20 टू 1/40 ये रहेगा टेपर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का टेपर रहेगा, ये जो टेपर दिख रहा है टेपर रहेगा 1/20 टू 1/40। पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का जो पिच सर्कल डायमीटर है वो है D1 इक्वल टू 1.6D, D1 इक्वल टू 1.6D। इसके बाद आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज के D2 इक्वल टू रहेगा 2.2D, D2 इक्वल टू 2.2D। इस तरीके से हम ये डायमेंशन निकाल लेंगे, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, टेपर बोल्ट और पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट, आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज। तो फ्लेंज कपलिंग में 3 टाइप के फ्लेंज कपलिंग पड़े हमने, प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग, अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग और मेरन टाइप फ्लेंज कपलिंग। बस प्रोटेक्टिव एंड अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग डायमेंशन एक से होते हैं, तो मेरन टाइप फ्लेंज कपलिंग में डायमेंशन ये हमारे कुछ अलग होते हैं, बाकी डिजाइन हमारी सेम टू सेम रहेगी जो हम डिजाइन में पढ़ेंगे, तभी हम इसमें डायग्राम देखा उसमें कुछ डायमेंशन देखे हुए हैं। अब इसके बाद इसकी हम पढ़ेंगे फ्लेंज कपलिंग के डिजाइन। फ्लेंज कपलिंग में हमको अगर क्वेश्चन में लिखा आता है टाइप, अगर डिजाइन ऑफ प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग,
डिजाइन ऑफ अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, तो हमारा जो डिजाइन रहेगी वो प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग के जो हमने पहले लिखा हुए डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग बनेगा, बाकी डिजाइन सेम टू सेम रहेगी। और मेरन टाइप फ्लेंज कपलिंग लिखा हुआ आ रहा तो हमको ये डायमेंशन अलग निकालने पड़ेंगे, बाकी डिजाइन हमारी जो रहेगी वो सेम टू सेम रहेगी फ्लेंज कपलिंग की। वो अब इसको इसमें देखेंगे फ्लेंज कपलिंग के डिजाइन कैसे करते हैं। इसके पहले हमने जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ टाइप्स ऑफ फ्लेंज कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग तीन तीन टाइप के बताया हुआ है, प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग, अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग और मेरन टाइप फ्लेंज कपलिंग। प्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग और अनप्रोटेक्टिव टाइप फ्लेंज कपलिंग जो इसका डायमेंशन एक से होते हैं जो कि हमको पहले निकालना पड़ेगा उसके बाद हमको डिजाइन करनी है, और जो मेरन टाइप फ्लेंज कपलिंग है उसके डायमेंशन अलग है जो हमने इसमें दिखा दिए हैं, और उसके डायमेंशन हम उस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे, उसके बाद ही डिजाइन स्टार्ट करनी है। अब जैसे इसमें लिखा, अब हम ये डिजाइन देख रहे हैं डिजाइन ऑफ फ्लेंज कपलिंग, अब फ्लेंज कपलिंग की जो डिजाइन है वो फाइनली हम पढ़ रहे हैं इसमें, बाकी डायमेंशन अलग निकालने हैं, बाकी डिजाइन हमारी इसमें सेम टू सेम रहेगी कोई भी टाइप का आ जाए। तो लेट स्मॉल डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ शाफ्ट और इनर डायमीटर हाफ, पहले पढ़ा हुआ हमने बताया हुआ है स्मॉल डी होता है डायमीटर ऑफ शाफ्ट होता है या फिर इनर डायमीटर हाफ होता है। कैपिटल डी होता है आउटर डायमीटर ऑफ हाफ, हाफ का आउटर डायमीटर। डी वन रहता है डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल, बोल्ट सर्कल रहता है उसका डायमीटर डी वन। स्मॉल डी वन रहता है नॉमिनल और आउटसाइड डायमीटर ऑफ बोल्ट, बोल्ट का नॉमिनल और आउटसाइड डायमीटर डी वन। एन इक्वल टू रहता है नंबर ऑफ बोल्ट, कितने बोल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं स्मॉल एन से डोनेट करते हैं। टी एफ रहेगा थिकनेस ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का थिकनेस। इसमें जो शेयर स्ट्रेस है वो तीन तीन जगह शेयर स्ट्रेस यूज होगी, टाउ एस, टाउ के एंड टाउ बी। टाउ एस जो इस्तेमाल हो रही है वो शेयर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट, टाउ बी है शेयर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट एंड टाउ के है शेयर स्ट्रेस ऑफ की। तो तीन स्ट्रेस है टाउ एस, टाउ बी एंड टाउ के। टाउ एस जो है वो शेयर स्ट्रेस ऑफ की शाफ्ट, टाउ बी है शेयर स्ट्रेस ऑफ बोल्ट, टाउ के है शेयर स्ट्रेस ऑफ की। इसलिए हम इसमें लिखा हुआ टाउ एस टाउ बी टाउ के इक्वल टू अलाउबल शेयर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट बोल्ट एंड की मटेरियल रेस्पेक्टिवली। इसके बाद टाउ सी इसमें यूज होगा जो कि अलाउबल शेयर स्ट्रेस फॉर द फ्लेंज मटेरियल कास्ट आयरन, जो फ्लेंज है वो मटेरियल कास्ट आयरन का बना रहता है उसके लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं टाउ सी जो कि शेयर स्ट्रेस कहलाती है, किसके लिए फ्लेंज मटेरियल के लिए। दो इसमें क्रशिंग स्ट्रेस यूज होगी सिग्मा सी एस एंड सिग्मा सी के। तो जो अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस पर बोल्ट और की मटेरियल, जो सिग्मा सी बी है वो रहेगा क्रशिंग स्ट्रेस किसके लिए बोल्ट के लिए, जब बोल्ट को फिट करेंगे तो क्रशिंग स्ट्रेस लगेगी वो सिग्मा सी बी और सी बी रहेगा, और सिग्मा सी के रहेगा की के लिए, की पे जो कंप्रेस होगा क्रशिंग फोर्स लगेगा सिग्मा सी के रहेगा। तो हमारे पास दो क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी बी एंड सिग्मा सी के, जो कि अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेस फॉर बोल्ट एंड की मटेरियल रेस्पेक्टिवली। तो इसमें हमारे पास स्ट्रेस लगती है शेयर स्ट्रेस तीन, टाउ एस टाउ के और टाउ बी, और टाउ सी रहेगा हमारे पास फ्लेंज मटेरियल के लिए है कास्ट आयरन के लिए। तो चार शेयर स्ट्रेस और दो क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी बी और सिग्मा सी के। सिग्मा सी बी है सी बी है जो बोल्ट के लिए क्रशिंग स्ट्रेस और सिग्मा सी के है जो की के लिए। तो हमने इसमें लिखा हुआ तो ये आप देख ही लेना। इसके बाद सबसे पहले डिजाइन करना हमको स्टार्टिंग करना है डिजाइन फॉर शाफ्ट, शाफ्ट की डिजाइन करना है। शाफ्ट की डिजाइन करने के लिए हम जानते हैं पावर ट्रांसमिट का फार्मूला होता है पी इक्वल टू पाई एन टी अपॉन 60। ये फार्मूला होता है जहां पर पी पावर ट्रांसमिटेड है, एन है स्पीड ऑफ शाफ्ट और टी है ट्विस्टिंग मोमेंट। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में पावर और स्पीड दी जाएगी, इसके द्वारा हम टॉर्क निकाल लेंगे। तो पी इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू 60 अपॉन टू पाई एन, इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो ट्विस्टिंग मोमेंट निकल आएगा। तो इससे हमको निकालना ट्विस्टिंग मोमेंट, टार्क निकालना, तो इसमें लिख दिया मैंने तो कैलकुलेट टी। इसके बाद ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला होता है ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला टी इक्वल टू पाई बाई 16 इंटू टाउ इंटू डी बेस टू क्यू, स्मॉल डी रहेगा यहाँ पर तो डी बेस टू क्यू। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे टी की वैल्यू पुट करेंगे टाउ की वैल्यू पुट करेंगे शेयर स्ट्रेस की, जिसके द्वारा हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालेंगे तो स्मॉल डी निकल आएगा, यहाँ पर स्मॉल डी रहेगा कैपिटल डी की जगह पर। तो ये रहेगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिजाइन पढ़ेंगे शाफ्ट की डिजाइन, इसके द्वारा हमने देख लिया डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकल आएगा। इसके बाद करना सेकंड नंबर पर करना हमको डिजाइन ऑफ शाफ्ट, हम जो इस्तेमाल किया हुआ था उसकी डिजाइन करना है। तो उसके लिए ट्विस्टिंग मोमेंट का फार्मूला लगाना, क्योंकि हॉलो शाफ्ट का माना जाता है क्योंकि इसमें कैपिटल डी और स्मॉल डी रहता है इसलिए। तो टी इक्वल टू रहेगा पाई बाई 16 इंटू टाउ सी इंटू डी बेस टू 4 माइनस डी बेस टू 4 अपॉन डी, फिर डी बेस टू 4 रहेगा और माइनस डी बेस टू 4 अपॉन डी।
ये रहेगा, इसके द्वारा हम निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे सबकी, तो इसमें टाउ सी निकालना पड़ेगा। तो टी इक्वल पाई बाई 16 इंटू टाउ सी इंटू डी बेस टू 4 माइनस डी बेस टू 4 अपॉन डी, इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके द्वारा टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर कैपिटल डी पर, और स्मॉल डी की वैल्यू रख करके टाउ सी निकालेंगे कि हमारे पास अब पे क्रिप्टन सीआर स्पेस कितनी लग रही है, वो हमको इसमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और निकालनी है, लेंथ ऑफ हब, हब की लंबाई। एल इक्वल टू होता है 1.5 डी, ये आपको मालूम ही है। तो 1.5 और डायमीटर ऑफ शाफ्ट को पुट करोगे तो ये निकल आएगा लेंथ ऑफ हब। इसके बाद थर्ड स्टेप जो हमको करना है वो निकालना है हमको डिजाइन फॉर की, की की डिजाइन करनी है। तो की डिजाइन आपको मालूम है, पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंसीडरिंग डायमीटर ऑफ शाफ्ट, जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया जाता है डी, उसके द्वारा हम विड्थ ऑफ की निकाल लेंगे डब्लू और थिकनेस ऑफ की निकाल लेंगे टी। ये दोनों चीज़ें निकाल लेंगे डायमीटर ऑफ शाफ्ट के द्वारा। इसके फार्मूले भी होते हैं और एक टेबल भी होता है, टेबल के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। इसमें दो फार्मूले लगाने हैं, एक शेयरिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में और एक निकालना है क्रशिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में। तो सबसे पहले शेयरिंग स्ट्रेंथ के फॉर्म में लगाएंगे टी इक्वल टू एल इंटू डब्ल्यू इंटू टाउ के इंटू डी बाई टू। तो इसमें टी की वैल्यू रखना है यहाँ पर, एल की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू और डायमीटर ऑफ शाफ्ट की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें हम निकालेंगे शेयर स्ट्रेस ऑफ टी, टी की शेयर स्ट्रेस निकालेंगे टाउ के। सेकेंड हमारे पास है क्रशिंग स्ट्रेस के फॉर्म में, तो टी इक्वल टू एल इंटू टी बाई टू इंटू सिग्मा सी के इंटू डी बाई टू। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे टी की, एल की, स्मॉल टी की और स्मॉल डी की, इस सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा सी के निकल जाएगा। इसके द्वारा हम क्रशिंग स्ट्रेस निकालें। तो इसमें लिखा हुआ हमने कैलकुलेट में करना है शेयर स्ट्रेस एंड क्रशिंग स्ट्रेस फॉर टी, शेयर स्ट्रेस निकालना और क्रशिंग स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी डिजाइन फॉर टी, टी की डिजाइन हो जाएगी। इसके बाद करना हमको बोल्ट की डिजाइन। तो बोल्ट की डिजाइन के लिए जो फार्मूला होता है, सबसे पहले बोल्ट पर जो लोड लग रहा है उसका फार्मूला लगाएंगे। तो लोड ऑन ईच बोल्ट, लोड का फार्मूला होता है एरिया इंटू शेयर स्पेस, तो पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वायर। डी वन हमारे पास डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है, आपको मालूम ही है। तो हमने फार्मूला लगाया एरिया का पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वायर, सर्कुलर होता है बोल्ट तो पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वायर इंटू शेयर स्पेस होता है बोल्ट का टाउ बी, कन्वर्ट करते हैं टाउ बी। तो हमारे पास लोड का फार्मूला होगा लोड ऑन ईच बोल्ट, प्रत्येक बोल्ट पर जो लोड लग रहा है वो लग रहा है पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वायर इंटू टाउ बी। इसके बाद टोटल लोड ऑन ऑल बोल्ट, जितने भी बोल्ट इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं तो वो निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वायर इंटू टाओ बी इंटू एन, जितने भी बोल्ट है उसका मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास टोटल लोड निकल आएगा प्रत्येक, पहले निकालेंगे प्रत्येक बोल्ट पे लोड, उसको हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने बोल्ट इस्तेमाल हो रहा है। कंडीशन अगर आप जो हमने पहले बताया हुआ है 3 वोल्ट हो रहे हैं या 4 वोल्ट हो रहा है या 6 वोल्ट हो रहा है, जिस तरीके से बोल्ट इस्तेमाल में यूज हो रहा है वो हमको इसमें वैल्यू पुट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लोड उन ऑल बोल्ट्स निकल आएगा। इसके बाद हमको करना है टॉर्क ट्रांसमिशन। जब बोल्ट की डिजाइन कर रहा तो लोड ऑन ईच बोल्ट पाई बाई 4 एंड डी वन स्क्वायर टाउ बी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो प्रत्येक बोल्ट का लोड निकल आएगा। टोटल लोड निकालना है ऑल बोल्ट, जितने बोल्ट इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें पाई बाई 4 एंड डी वन स्क्वायर टाउ बी जो निकाला हुआ है इसमें नंबर ऑफ बोल्ट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन इंटू एन कर दिया। इसके बाद टॉर्क ट्रांसमिट निकालना है, जो बोल्ट पर जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रही है वो निकालना है। तो टी इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वायर इंटू टाउ बी इंटू एन इंटू डी वन बाई 2, इसमें डी वन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये निकल आएगा टॉर्क ट्रांसमिटेड बाई द बोल्ट, बोल्ट का ट्विस्टिंग मूवमेंट निकल आएगा पूरे जितने भी बोल्ट है। पहले हम निकालेंगे इसमें लोड ऑन ईच बोल्ट, प्रत्येक बोल्ट पे लोड कितना लग रहा है। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वायर इंटू टाउ बी। इसके बाद निकालेंगे हम इसमें टोटल लोड ऑन ऑल बोल्ट, कितने बोल्ट इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वायर इंटू टाउ बी इंटू एन। तो टार्क ट्रांसमिटेड टार्क निकालेंगे तो टी इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू डी वन स्क्वायर इंटू टाओ बी इंटू एन इंटू डी वाई डी वन बाई 2। तो डी वन की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टार्क निकल आएगा। इससे हमारी हो जाएगी बोल्ट की डिजाइन। इसके बाद हमको जो निकालना है इसमें निकालना आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का आउटसाइड डायमीटर क्या रहेगा। इसका फार्मूला होता है डी टू इक्वल टू 4 डी, तो डायमीटर ऑफ शाफ्ट की वैल्यू पुट करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लेंज, फ्लेंज का आउटसाइड डायमीटर निकल आएगा डी टू इक्वल 4 डी के द्वारा। इसके बाद निकालना थिकनेस ऑफ द प्रोटेक्टिव सर्कमफेरेंशियल फ्लेंज, तो जो प्रोटेक्टिव सर्कमफेरेंशियल फ्लेंज है उसकी थिकनेस निकालना। तो टीपी, टीपी इक्वल टू हो जाएगा 0.25 डी, तो 0.25 डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट पुट करने टीपी हो जाएगा। इस तरीके से हमको पूरी फ्लेंज कपलिंग की डिजाइन पढ़ना है।
बाकी इसके न्यूमेरिकल के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसका हम इसमें लिंक डाल देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।